हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 6 समाप्त किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 वचन। आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 7 वचन। वचन क्या होते हैं? देखिए देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ क्या दिया है? एक पिक्चर दी है, उसमें क्या बताया है? नंबर 1 पे लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। दूसरे पिक्चर में क्या दिखाया है? लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। पहली पिक्चर में एक लड़का है और दूसरी पिक्चर में दो लड़के हैं या दो से ज्यादा लड़के हैं। तीसरी पिक्चर में क्या है? फूल पर तितली मंडरा रही है, फूल पर क्या है? तितली मंडरा रही है। और चौथी पिक्चर में क्या है? फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। यानी कि एक पिक्चर में एक, दूसरे पिक्चर में बहुत सारे, एक पिक्चर में एक, दूसरे पिक्चर में बहुत सारे। तो ये क्या होते हैं? वचन। आइए देखते हैं। ऊपर दिए गए चित्र संख्या 1 और 3 में एक लड़का, एक फूल तथा एक तितली है, इसलिए ये शब्द एक वचन है। और चित्र 2 में और 4 में 3 लड़के, 4 फूल तथा 3 तितलियां हैं, इसलिए ये शब्द बहुवचन है। क्या होता है? जब चीज या कोई भी वस्तु एक होगी तो हम उसे बोलेंगे एक वचन, जब एक से ज्यादा होगी तो हम उसे बोलेंगे बहुवचन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने से अधिक हो कट एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। या तो एक हो और या एक से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। वचन के भेद। अब वचन के भेद भी हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन। कितने भेद होते हैं वचन के? 2। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं पहला एक वचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। किसी भी चीज का अगर हमें संख्या एक का पता लग रहा है, उसमें संख्या एक है, तो वो क्या है? एक वचन। यहाँ पे हमने आपको कुछ पिक्चर दिखाई है, देखिए गधा एक है यानी कि एक वचन, माला एक है यानी कि एक वचन, कुर्सी भी एक है तो एक वचन, और मेज भी एक है तो एक वचन। यहाँ पे सारी पिक्चर जो चित्र है वो कितने हैं? सिर्फ एक, तो इसलिए क्या है? एक वचन। इसके बाद आता है हमारा दूसरा बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जब एक से ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। देखते हैं, यहाँ पे गधे हैं, यहाँ पे मालाएं, इस चित्र में कुर्सियां हैं और इस चित्र में मेजे, यानी कि सबकी संख्या क्या है? एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा हो तो क्या होता है? वो बहुवचन। आइए देखते हैं इससे आगे कुछ अन्य शब्दों के एक वचन और बहुवचन देखिए और याद कीजिए। यहाँ पे हमने आपको बहुत सारे एक वचन और बहुवचन बताए हैं, इनको आप याद करेंगे अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तोता तोते, ताला ताले, गाय गाय, पौधा पौधे, लता लताए, आंख आंखे, बेटा बेटे। ऐसे यहाँ पतंग पतंगे, तारा तारे, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते, साड़ी साड़ियां, रास्ता रास्ते, कटोरा कटोरे। क्या है? एक वचन में एक एक चीजें और बहुवचन में क्या है? बहुत सारी चीजें, इसलिए ये है हमारे एक वचन और बहुवचन। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा किसी भी वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले वचन एक वचन और एक से ज्यादा संख्या का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं बहुवचन। अब इसी के आधार पर हमारा आता है अभ्यास कार्य। अब देखिए अभ्यास कार्य हमारा, अब बताइए, अब बताइएगा क्या? हम प्रश्न क्या देखते हैं। प्रश्न क्या क्या है हमारा? सही विकल्प वाले गोले को भरिए। अब इसका पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द के रूप को कहते हैं क्या?
अभी हम सब पढ़ के आए हैं वचन, इनको क्या कहते हैं, एक या अनेक का बोध कराने वाले वचन, तो इसका उत्तर क्या हुआ, वचन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कट। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न है संख्या एक होने पर कौन सा वचन होता है। जब संख्या एक होगी तो वचन कौन सा होगा, एक, तो इसका उत्तर क्या हुआ, एक वचन। अब इसके बाद आता है हमारा खै भाग। खै भाग को देखते हैं बच्चों, उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है बालक ने खालिस्तान खाया। अब खालिस्तान में क्या भरना है, जो यहाँ पे हमको दो शब्द दिए हैं उसमें से जो सही है वो हमें चुनकर इस खालिस्तान में भरना है। तो बालक ने संतरे खाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक तो सिर्फ एक है, तो एक ने सिर्फ एक ही चीज खाई होगी, यानी कि बालक ने संतरा खाया। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों हमारा, इसका उत्तर हुआ संतरा। अब दूसरा क्या है हमारा, आसमान में खालिस्तान टिमटिमा रहे हैं। इसका उत्तर है तारे। आसमान में क्योंकि बहुत सारे तारे होते हैं इसलिए इसका उत्तर हुआ तारे। अब तीसरा आता है हमारा, तीसरा क्या है, खालिस्तान पढ़ रहे हैं यानी कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर हुआ बच्चे, बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आपको एक वचन और बहुवचन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आता है हमारा गैप प्रश्न। आइए गैप प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है दिए गए शब्दों को उनके उचित स्थान पर लिखिए। अब इसमें क्या है, एक वचन भी दिए हैं हमें और बहुवचन भी दिए हैं, तो एक वचन को हम एक वचन वाले में लिखेंगे और बहुवचन को हम बहुवचन वाले में लिखेंगे। तो पहला क्या है, माला, तो माला क्या हुआ, एक वचन, माला हुआ हमारा एक वचन। और क्या बोलते हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं कलम, यहाँ पे लिख देंगे कलम, कलम भी है हमारा एक वचन। हम पहले सारे एक वचन लिखेंगे, सही है बच्चों, एक वचन में माला आ गई, लड़की भी एक वचन है, तो यहाँ पे इधर की साइड हम लड़की लिख सकते हैं, लड़की। उसके बाद क्या है, स्त्री, स्त्री भी एक वचन है, तो हम एक वचन में स्त्री भी लिख सकते हैं। तो माला का क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, हम माला का लिख सकते हैं मालाएं, बहुवचन मालाएं। ऐसी लड़की का क्या लिख सकते हैं, लड़कियां। इसी प्रकार हम आगे करेंगे, कलम का हम लिख सकते हैं कलमे, और स्त्री का क्या लिख सकते हैं, स्त्रियां। इसी प्रकार से आप आगे के स्वयं करेंगे, एक वचन में एक वचन और बहुवचन में बहुवचन। इसी के साथ क्या होता है, हमारा पाठ साथ समाप्त होता है। बच्चों हमने आपको आज पाठ सात समझाया, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ सात बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस पाठ का अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को अच्छे से याद करेंगे, और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।